अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम के इस वक्त बज रहे हैं 4, जो कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम में और बंदे का बाहर निकलने का दिल भी नहीं करता है। लेकिन आज इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 2 दिन से हमारे यहाँ अच्छा ही मौसम था, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छा हो गया, क्योंकि सुबह सुबह उठे ना जैसे ही तो मौसम वैसे था जैसे होता है, धूप नहीं थी और बादल थे, तो घनी घनी छाँव थी जैसे आप समझ लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल थे। और 12 बजे आने शुरू हो गई बारिश, काफ़ी ज़्यादा बारिश आई है, काफ़ी आई है, आई तो थोड़ी सी देर है, आप अंदाज़ा लगा लें 15 मिनट आई, लेकिन इतनी आई है ना कि हमारे पूरे घर में कीचड़ कीचड़ हो गया था। आपको पता है हमारा घर जो ये कच्चा है, फर्श है नहीं कच्ची मिट्टी का, हम यहाँ पे ना लेप वगैरह दे के इसको जो है पक्का ताकि सही सही लगे इस तरह से करते हैं, तो वो जो चिकनी मिट्टी थी ना वो इतनी ज़्यादा चिकनी हो गई कि ना वहाँ से बंदा ना ऐसे ऐसे स्लिप हो रहा था। लेकिन ये कि अभी 4 जो कि बज गए और थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की धूप निकल गई है, तो फर्श भी कुछ हद तक सूख गए हैं और इसीलिए फिर मैं आ गई हूँ बाहर। हमारे पाँव भी सीधे हो जाएंगे और हमें भी मूड ठीक हो जाएगा और बच्चे भी ना ठीक ठाक फिट फाट जो होते हैं ना, हंसते खिलते बच्चे होते हैं ना, तो वो खेल खेल के हंसते खिलते रहते हैं। ये देखें, अगर इनको हम रूम में बंद कर देंगे ना तो फिर ये ऐसे नहीं खेलेंगे। क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? ये देखें तीनों के तीनों मस्जिद के सहन में यहाँ पे बैठ के सुकून से खेल रहे हैं। मजा आ रहा है ठंडे ठंडे फर्श पे? ये देखो इतना शौक है मस्जिद में आने का, इतना शौक है जैसे पता नहीं। वैसे तो ये कि अल्लाह ताला का घर है, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, ये बस खेलने के लिए आते हैं। देखो मैंने कहा है अंदर नहीं जाना, क्योंकि अंदर उधमबाजी मचाएंगे और फिर सारी चीज़ें फैला देंगे, जानमाज है जो भी है ना, टोपियाँ हैं, तो मैंने कहा बाहर खेल, तो मैं इनके ऊपर खड़ी हुई यहीं पर नज़र रख के, और ये यहाँ पर खेलने मसरूफ़ हैं। खेलो खेलो, नहीं बटन नहीं दबाना, नहीं गंदी बात हानिया नहीं करो बेटा। ये देखें बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप है और शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के टाइम में जब हल्की हल्की धूप ना तो और ज़्यादा मज़े की लगती है, और इतना प्यारा मौसम लग रहा है ना, बारिश जो कि आई है तो ग्रीनरी और ज़्यादा ग्रीन हो गई। ये देखें यहाँ पे हमारी लगी हुई हैं सब्जियाँ, प्याज कद्दू, और वहाँ पे उस साइड पे भिंडियाँ भी हैं और उस साइड पे तूरियाँ भी हैं, तो यानी यहाँ पे ना सारी हम लोगों ने सब्जियाँ लगाई हैं जो भी गर्मियों में उगाई जाती हैं। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल इसमें लगती कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि पौधे ही पौधे, भिंडियाँ थोड़ी बहुत लगती हैं, लेकिन यहाँ पर पौधे ना तो ये और ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं ज़बरदस्त। ये देखें कितना प्यारा ग्रीन एरिया लग रहा है, वो सारा तो देखें बंजर सा हो गया क्योंकि वहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लगाया है, लेकिन ये वाला एरिया बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी जो कि हल्की हल्की धूप निकल गई है तो इसलिए मैंने ये सारे कपड़े भी बाहर डाल दिए, क्योंकि उस वक्त जब बारिश आती है तो जल्दी जल्दी इनको मैं ले गई थी अंदर, क्योंकि गीले पहले ही थे तो बारिश से और ज़्यादा गीले हो गए, तो अब ये सूखने के लिए डाल दिए हैं। और यहाँ पर भी फर्श देख लें, हमारा बाहर का फर्श ये भी थोड़ी सी देर में सूख जाएगा, और मोहम्मद सुहान हानिया ये सारे के सारे ना यहाँ पे खेल रहे हैं, और तब तक मैं करती हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी, आग जलानी और जल्दी से खाना बनाना है, तो खाना बना लेते हैं और थोड़ी देर में फिरोज़ भी आ जाएगा। वेट हो रहा है फिरोज़ के आने का, क्योंकि वो सुबह से गए हुए डेंटिस्ट के पास, 2 दिन हो गए उनके ना यहाँ पे दाढ़ में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, दवाई भी लेके आए हैं डेंटिस्ट से और चेकअप भी मुकम्मल करवाया था, तो उन डॉक्टर ने यही कहा फाइनल कि आपका जो ये दाढ़ है ना इसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही जैसे आधी समझ लें वो टूटी हुई थी, वो पता नहीं कैसे हो गई, पता ये उनको नहीं पता, काफ़ी अर्से पहले की बात है, लेकिन वो जो आधी बची हुई थी ना वो उनको कभी दर्द नहीं की, तो ना ही उन्होंने कभी सोचा उसे निकलवाने का। लेकिन अब जो कि वो 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा दुख रही है, दर्द कर रही है, उनसे ना कुछ खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है, तो वो भाग के गए डेंटिस्ट के पास, अबू जी उनको लेके गए थे तो कल दवाई लेके आए, तो अब ये कि दवाई से कोई आराम नहीं आया, डॉक्टर ने कहा दवाई से आराम आ जाए तो ठीक, और अगर नहीं आया तो फाइनल हल इसका यही है कि आपको अपनी दाढ़ निकलवानी पड़ेगी। तो आज गए हैं फाइनली वो अपनी दाढ़ निकलवाने, काफ़ी देर हो गई गए हैं, 1 बजे से गए हैं और अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब उन्हीं का वेट हो रहा है कि वो जैसे ही आएंगे तो पता चलेगा क्या बना क्या नहीं बना, क्योंकि दाढ़ निकलवाना भी ना काफ़ी अजाब वाला काम है, क्योंकि आखिर इंसान के जिस्म की चीज़ है वो भी, और उसको जब खींच के निकाल लेते ना तो काफ़ी दर्द भी होता है, उस वक्त तो बेशक बंदे को सोन कर देते हैं जगह को, लेकिन ये कि काफ़ी दर्द होता है और काफ़ी ना बाद में फिर पेन, और काफ़ी बाद में ना मुश्किल हालात भी होते हैं, क्योंकि ना बंदा कुछ खा सकता है ना पी सकता है, तो बस अभी उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से आ जाएं और आके ना पता चले कि क्या हुआ और उनकी अब तबीयत कैसी है, तो बस अभी उन्हीं का वेट हो रहा है, वो जैसे ही आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या हुआ उनकी तबीयत कैसी है, वो जैसे ही आते ना आने के बाद उनको पता चलेगा कि उनको डॉक्टर ने क्या खाने को कहा है और क्या मना किया है, वैसे ही है कि वो नर्म चीज़ ही खाएंगे, लेकिन फिलहाल घर में कुछ भी नहीं है। मैंने उनको कहा है कि आप जब वापस आना ना तो जो भी आपको डॉक्टर कहे खाने को तो आप वो चीज़ लेते हुए आना, ताकि मैं जल्दी से घर में पका दूँ, क्योंकि घर में पकी हुई सालन रोटी तो वो नहीं खा सकते बिल्कुल भी नहीं,
तो अभी बस वेट हो रहा है। एक दफ़ा मैंने कॉल की है, पता किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया किसी ने भी ना। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो वो आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। क्या कर रहे हो? चार्जर लगा रहे, इसलिए मेरा फ़ोन उठाया हुआ है। और फ़ोन को बार बार चार्जर मुझसे लगवाते हैं और फिर निकाल देता है। ये देखो, ये लगा दूँ, ये देखो, अब मैं लगा देती हूँ फिर निकाल देते हैं। अच्छा आप लगाओ, ये लो, वीडियो बना देते। ये देखिए सो गया। इन बच्चों की अपनी मौज है, तो इनको खेलने देते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, यानी सारा दिन तो मैंने इंतज़ार ही किया, मैंने कहा अभी आ जाएंगे, फिर रोज़ा भी आ जाएंगे, लेकिन सारा दिन नहीं आए हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और अभी रात का टाइम हो रहा है, तो अभी अभी फिरोज़ वापस आए हैं। असल में गए थे अपने, क्योंकि साथ में कोई होना चाहिए था तो साथ में गए थे। और फिर वहाँ पे फिर, क्योंकि आपको पता है सर्दी के बाद फ़ौरन ठंडी चीज़ खानी पड़ती है, तो डॉक्टर ने कहा इनको जो आइसक्रीम वगैरह खिलाओ, तो ये वहीं पे बैठे रहे, आइसक्रीम खाते रहे। खून काफ़ी ज़्यादा था सर्जरी के बाद, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये ना हो कि मैं घर चले जाऊँ और फिर वहाँ पर कोई परेशानी हो, इससे बेहतर यही कि मैं इस दिन सिटी में गुजार दूँ। तो फाइनली फिरोज़ वापस आ चुके हैं और हालत तो आपको अब अंदाज़ा हो गई कि कैसी हो सकती है सर्जरी के बाद इंसान की कैसी हालत होती है। जिस जिसने करवाई भी उसको पता होगा और जिस चीज़ को अंदाज़ा है उसको भी है। आराम कर रहे हैं इस वक्त। और जी सुनाएं कैसी हालत है? ठीक है, हालत ठीक है। पेन शेन हो रहा है? हो रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। हाथ टाना, सूजी भी है जगह ना इस साइड से, ये देखें। वो सर्जरी की है, वो दांत निकाल लिए। हाँ दांत निकाल लिया, और फिर उसके बाद ना अब खून शून तो नहीं है? खून अब रुक गया है। चलें अच्छी बात है। बस अच्छी बात ये है कि सर्जरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, कोई परेशानी नहीं हुई है। ये कि ठीक तो हो जाएगा, दो दिन में तीन दिन में। इतना ज़्यादा दर्द था ना मुझे, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ गया। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ये आपकी सर्जरी होगी, और सर्जरी में मतलब यही होता है कि आपका दांत नहीं। डॉक्टर ने आप, क्योंकि आप व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ने सर्जरी का क्यों बोला अचानक से, वो कैविटी फैल चुकी थी सारी, वो फिता के दूसरे दांतों को ना लग जाए। हाँ, वो कैविटी की वजह से ना बहुत पेन होता था, और पेन होने की वजह से ना तो फिर डॉक्टर ने कहा ये आपका बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप आराम करें, वैसे भी नहीं बोला जा रहा, ज्यादा तकलीफ हो रही होगी ना। बाकी दवाइयाँ इतनी सारी दी है, दवाइयाँ तो लेनी है। वैसे ये मैं बताऊँ दवाइयों से बहुत छुपते हैं, लेकिन अब क्या करें, अब मजबूरी है। तो यहाँ पे ये देखें फिरोज की दवाइयाँ, ये माउथ वॉश है, और साथ में ये देखें एक दो और तीन, तीन टेबलेट्स हैं, और साथ में ये हैं ट्यूब्स, 1 2 3 ट्यूब्स वगैरह ना। वैसे इसमें एक टूथपेस्ट है कि दो हैं? दो टूथपेस्ट। हाँ दो टूथपेस्ट और एक जेल है, और साथ में इन्हें खांसी भी हो रही है पहले से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खांसी को हमने कोई इलाज नहीं करना है, क्योंकि ठंडी चीज़ें तो इनको हमने देनी है सुबह शाम। इस वक्त सारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है मेरे शोर की कि मैं बोलूँ। होता है कि बुढ़ापे में इंसान को दांतों की तकलीफ हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम उम्र में हो गए, तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं अभी से ही तुम्हें ये हो गया तो पता नहीं आगे चक क्या होगा। और सर्जरी की वजह से भी बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। और इस वक्त हमारे कुछ मेहमान भी आए हैं फिरोज से मिलने के लिए, तो उनको पूछने के लिए कि कैसी तबीयत है कैसी नहीं है, ये कि फिर उनको भी थोड़ा टाइम देना है, और इनके खाने का भी कुछ इंतज़ाम करना है, क्योंकि अभी इन्होंने घर का नॉर्मल खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना, जैसे रोटी सालन हम डेली खाते हैं। डॉक्टर ने क्या क्या आपको कहा है खाने के लिए? दलिया वगैरह और कस्टर्ड वगैरह, मतलब वो भी आपने उसको ठंडा करके खाना है। अच्छा पका के रख दूँ फ्रिज में? फ्रिज में ना, लेकिन नॉर्मल हो। अच्छा नॉर्मल यानी ठंडा, या ठंडा भी ना हो, जुकाम पैर से गला। हाँ ये जुकाम है तो फिर मतलब के अभी क्या खाना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, तेल नहीं गया पेन हो रहा। चले फिर भी पका तो लो ना, थोड़ी सी देर तक आप खाएंगे, ये कि फिर और तो कुछ खा नहीं सकते, भूख लगेगी तो पक्का हुआ होगा, ठंडा भी हो जाएगा तब तक ठीक हो जाएगी अल्लाह करेगा। और फिर दवाई भी लेनी है आपने, रात को लेनी है? हाँ तो खाने के बाद तक टाइम हो जाएगा ना, फिर दवाई भी इनको मैं खुद खिलाऊंगी। और चल के इनके खाने की तैयारी करते हैं, दलिया बना लेंगे या फिर कोई और चीज़ ना, जो भी यानी घर में देखती हूँ मैं क्या चीज़ इस वक्त रखी हुई है। खीर मिक्स, चलें ठीक है खीर मिक्स बना लेते हैं, तो ये कि इनकी पसंद का भी हो ना, ताकि फिर ये सही से खा लें, तो खीर मिक्स बना के रख देते हैं, फिर ये ठंडा भी हो जाएगा और ये सुकून से खा लेंगे। और साथ में जो है बच्चों का भी ध्यान करना है कि बच्चे बाहर शरारतें ना करें, या फिर यहाँ पर जो है इन्हें तंग ना करें, क्योंकि ये चाह रहे हैं मुझे फुल आराम दो, पहले थक के मैं सारा दिन ना बैठ बैठ के वैसे मुँह खुलवा लेते हैं,
और कह रहे मुझे वैसे भी पेन हो रहा है। तो जी खीर मिक्स भी रेडी हो चुका है, जो कि ठंडा भी मैंने कर लिया है। मैंने कहा फिरोज को ना जल्दी जल्दी से दे देती हूँ, फिर कुछ ना कुछ खा लेंगे, बैठे हैं ऐसे कब से। ये आपका खीर मिक्स रेडी हो गया और ठंडा भी कर लिया है ऐसे ना, रख लो इधर, बाकी और भी रखा हुआ है तो पहले ये खा लो, फिर जब थोड़ी देर में और खा लेना, ठीक है। और कुछ आराम आया है? थोड़ा बहुत, सूजन भी अब कम हो गई ना पहले से थोड़ी। चलो ठीक है, ये खा लो, फिर उसके बाद मेडिसिन लेनी है और उसके बाद फिर ये कि सुकून करते रहना। तो अभी मैंने भी खाना खाना है, मुझे भी भूख लगी है, तो मैं भी जल्दी से खाना खा लेती हूँ और आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बस आप लोग दुआ कीजिए कि फिर उसकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उन्होंने जो सर्जरी करवाई ना इसमें कोई भी परेशानी ना हो। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।